नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, CRPF 789 पदों पर जो भर्ती निकली है पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भर्ती से संबंधित मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो भर्ती है ये सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसको अपलोड करने के बाद में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिनमें इंडिया के सभी स्टेट्स से कुछ बंदों ने पूछा था कि सर, जो इसमें SI ASI और इनको छोड़कर हेड कॉन्स्टेबल को छोड़कर इसमें जो कॉन्स्टेबल के पद हैं, मतलब ट्रेड्समैन के पद हैं, वो कितने पद हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में बस यही बताऊंगा कि आपके जो ट्रेड्समैन के पद हैं वो कौन कौन सी ट्रेड के लिए होंगे। अगर आप ट्रेड्समैन की भर्ती देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए एक सरकारी नोटिस भी दिखा देता हूँ जो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो ये है वो नोटिस। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको ये बताऊंगा जो कि आप चेक कर सकते हैं पूरे YouTube पर, आपके लिए किसी ने नहीं बताई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको पूरे YouTube पे किसी ने भी नहीं बताई होगी, क्योंकि दोस्तों हमारा छोटा सा चैनल है, ज़्यादा बड़ा चैनल है नहीं, लेकिन हम जो भी बातें बताते हैं आपके लिए पूरी की पूरी बिल्कुल करेक्ट बातें बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात है ये है दोस्तों, आप यहां पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बात आपके लिए किसी ने भी नहीं बताई होगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये है कि जो CRPF में ये भर्ती निकली हैं जिसकी ओपनिंग डेट, मतलब ऑनलाइन की एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 20 जुलाई है और क्लोजिंग डेट है, मतलब लास्ट डेट फॉर अप्लाई 31 अगस्त 2020। तो ये जो भर्ती है दोस्तों, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, CRPF ने मेंशन किया है यहाँ पे, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। तो अभी दोस्तों ये जो भर्ती होगी वो टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है, आपकी ये जो जॉब होगी वो टेम्परेरी होगी। लेकिन दोस्तों CRPF ने यहाँ पर ये भी लिखा है कि लाइकली टू बी परमानेंट, ये परमानेंट हो भी सकती हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, ये केवल प्राइवेट वैकेंसीज हैं, ठीक है, टेम्परेरी वैकेंसीज। आपको हो सकता है 2-4 साल के बाद में यहाँ से CRPF से बाहर भी कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर CRPF ने खुद ही लिखा है कि लाइकली टू बी परमानेंट। तो लेकिन 1% चांस तो ये है कि दोस्तों ये टेम्परेरी वैकेंसीज है, परमानेंट हो या नहीं हो इसका कोई भी बता नहीं सकते अभी से, मतलब, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपके लिए डिटेल में इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन बिगिन 20 जुलाई 2020, क्लोजिंग डेट होगी 31 अगस्त 2020, ठीक है। एग्जाम है आपका 20 दिसंबर 2020 के लिए और एडमिट कार्ड भी आपको दिसंबर में मिल जाएंगे। उसके बाद में मेन मकसद था हमारा कि कॉन्स्टेबल में कौन कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसीज निकली हैं और टोटल पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पर जो कांस्टेबल के दोस्तों सफाई कर्मचारी के ट्रेड पे भर्ती निकली है वो है 121, ठीक है, मतलब 121 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली है। उसके बाद में इनकी जो एज लिमिट होगी वो होगी 18 साल से 25 साल और इनकी एलिजिबिलिटी होगी दोस्तों 10th पास। और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि सफाई कर्मचारी या फिर कोई भी ट्रेड की अगर हम भर्ती देखेंगे तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों आपके सवाल का आंसर है बिल्कुल जी हाँ, आपके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जैसे बात है दोस्तों यहाँ पर सफाई कर्मचारी की, तो सफाई कर्मचारी का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी आपके लिए कहीं से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके लिए क्या होगा, आप अपने गांव के जो आपका सभासद होता है, प्रधान होता है, ठीक है, आप उनसे बस एक पेपर पर लिखवा लें कि हम इस जगह पे इतने साल से काम कर रहे हैं, बस वही आपका जो है वो सफाई कर्मचारी का सर्टिफिकेट मान्य होगा। उसके बाद में ये सब इंस्पेक्टर वगैरह को मैं छोड़ देता हूँ, मैं केवल आपको ट्रेड के बारे में ही बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों ये है कॉन्स्टेबल कुक, तो कॉन्स्टेबल कुक के दोस्तों 116 वैकेंसीज होंगी और इनकी एज लिमिट भी 18 साल से 25 साल होगी। और दोस्तों इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो सेम एज जैसे मैंने आपके लिए बताया, यहाँ पे सफाई कर्मचारी के बराबर ही होगा, मतलब 10th पास। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात थोड़ी सी इनसे सफाई कर्मचारी से इनकी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो
2 साल का मांगा जा रहा है, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसके लिए आपके पास में अगर नहीं है तो आप अपने गांव के स्कूल से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्राइमरी स्कूलों में आजकल मिड डे मील का खाना बनाया जाता है, तो उसके लिए गांव से ही जो है वो कुक्स हायर किए जाते हैं। तो आप जो आपके स्कूल होगा गांव का, उनके टीचर्स प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, या आपका जो 2 साल का कुक के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों लेडीज के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल ANM, इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके भी काफी कमेंट्स आए थे। तो ANM की भी दोस्तों भर्ती निकली है, ANM / मिडवाइफ बोलते हैं इनके लिए। तो ANM की जो पोस्ट होंगी वो केवल लड़कियों के लिए होंगी और यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। 18 से 25 इनकी ईयर्स मतलब एज है और इनके लिए दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए और इनके पास में नर्सिंग में डिप्लोमा भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है कांस्टेबल मसालची, ये भी ट्रेड्समैन की भर्ती है। तो मसालची के दोस्तों यहाँ पर 4 पद होंगे, इनकी एज लिमिट होगी आपकी 18 से 25 साल और यहाँ पर भी दोस्तों इनके लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। उसके बाद में आया दोस्तों कांस्टेबल धोबी / वॉशरमैन, मतलब धोबी के यहाँ पर और वॉशरमैन की टोटल 5 पोस्ट होंगी, जहां पर दोस्तों इनकी एज लिमिट होगी 18 साल से 23 साल और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनकी क्लास 10th पास होना इनको जरूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इनसे मांगा जाएगा। उसके बाद में आता है कांस्टेबल टेबल बॉय, कांस्टेबल टेबल बॉय दोस्तों जो है वो मैस में रहते हैं जहाँ पर खाना बनाया जाता है, इसकी वैकेंसी है 1, एज लिमिट 18 से 23 साल, क्लास 10th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी। अभी मैं आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेल है, यहाँ पर फीमेल है। तो हाइट जो होगी मेल के लिए किसी भी ट्रेड में 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होगा मेल के लिए 80-85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है। रेस होगी दोस्तों आपकी 1 मील रेस इन 7 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1 मील की रेस होगी आपके यहाँ पर 7 मिनट 30 सेकेंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए यही रेस होगी दोस्तों 800 मीटर की, जो कि इनको 6 मिनट में पास करने अनिवार्य है। लॉन्ग जंप होगी दोस्तों 10 फीट मेल के लिए, 6 फीट फीमेल के लिए, और हाई जंप होगी 3 फीट मेल के लिए और 2.5 फीट फीमेल के लिए। और जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो न्यू दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम में आपके एग्जाम सेंटर होंगे। और आपको एप्लीकेशन जो है ये दोस्तों ऑफलाइन बेसिस पे भेजी जाएगी, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन ऑफलाइन भेजनी है वो किस पते पर भेजनी है उसको आप नोट कर लीजिए। तो सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्रेप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बंगरसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP, पिन कोड होगा आपका 462045, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पर क्लिक करना होगा और आप CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर ये भर्ती के बारे में सबसे पहले अपडेट किया गया था। तो दोस्तों इस भर्ती से रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर जाकर वो वीडियो मिल जाएगी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।